हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही इजी एंड क्विक दुपट्टा ड्रेपिंग शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 5 डिफरेंट स्टाइल की दुपट्टा ड्रेपिंग शेयर करूंगी, जिनको आप अपने लहंगे के साथ और साथ ही साथ में आप अपने सूट के साथ में भी स्टाइल कर सकते हो। इनमें से जो भी दुपट्टा की ड्रेपिंग आपके लिए यूज़फुल होती है या आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए ड्रेपिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ड्रेपिंग के लिए आपको क्या करना है, जो दुपट्टे का विड्थ है यानी जो चौड़ाई होती है, उस साइड से हमें दुपट्टे को लेना है। इसका एक कॉर्नर हम अपने लेफ्ट साइड पर और दूसरा कॉर्नर हम अपने राइट साइड पर रखेंगे और सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से हम ड्रेपिंग करते हैं तो इसमें जो बॉर्डर है वो फ्रंट में आता है और उससे उसका लुक अच्छा लगता है। उसके बाद में देखिए, जैसे मैं बेल्ट लगा रही हूँ ना, एक साइड अंदर और एक साइड बाहर, इस तरीके से बेल्ट को लगाना है। उसके बाद हम दूसरी साइड पर आ जाएंगे दुपट्टे की और उसका कॉर्नर लेंगे और उसको जहाँ पर हमने शोल्डर पर रखा था उसके ऊपर रख कर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। आप अपने दुपट्टे का दूसरा वाला जो हमने नीचे से उठाया था ना, दोनों में से कोई भी कॉर्नर ले सकते हैं। देखिए है ना, कितना इजी, इतने अच्छे तरीके से आप अपने दुपट्टे को ड्रेपिंग कर सकते हैं। इससे क्या हुआ है कि आपका बॉर्डर भी फ्रंट में आ गया और एक डिफरेंट लुक मिला है। दूसरी ड्रेपिंग के लिए हमें फिर से अपने दुपट्टे को इस तरीके से विड्थ वाला, जो चौड़ाई वाला हमने उठाया है, और अपने आगे आप लेफ्ट साइड या राइट साइड जिस साइड भी इसको टक करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ बाकी दूसरा जो हमने कॉर्नर लिया है और उसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स भी जैसा आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। बहुत पतली अगर नैरो चाहिए वो भी बना सकते हैं, अगर थोड़ी चौड़ी चाहिए वो भी बना सकते हैं। इसके बाद में जब सारी प्लेट्स सेट हो जाए तो इसको जिस साइड पर हमने दुपट्टे को टक किया है ना, उसी साइड पे, उसी साइड वाले शोल्डर पर, अगर आपने लेफ्ट में किया तो आप लेफ्ट में डालेगा, अगर राइट में किया है तो राइट में डालना है। उसके बाद जब ये सेट हो जाए तो कंधे पर इसको अपने यानी शोल्डर पर यहाँ सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर करेंगे। उसके बाद में जितने भी प्लीट्स हैं उनको अच्छी तरीके से इस तरह से पकड़ के, और जिससे वो सेट हो जाए। तो यहाँ सेट जब हो जाए हमारी प्लीट्स, उसके बाद में कोई भी आपके पास बेल्ट हो तो वो लगा लीजिए। ये दुपट्टा ड्रेपिंग का सेकेंड स्टाइल है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड स्टाइल के लिए हमें दुपट्टे का एक कॉर्नर लेना है और इसको अपने शोल्डर पर सिक्योर करना है। इसके बाद में हम अपने दुपट्टे के दूसरे कॉर्नर यानी कि दूसरे कॉर्नर पर आएंगे और इसको उठाकर पीछे से घुमाते हुए सेम जिस शोल्डर पर हमने पहला कॉर्नर रखा है ना, उसी शोल्डर के ऊपर रखकर इसको ऊपर की साइड से रखकर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद में देखिए बेल्ट कैसे लगाना है आपको, ऊपर वाला जो कॉर्नर है उसको हटाते हुए नीचे आप बेल्ट लगा लीजिए। फिर जो नीचे की साइड कपड़ा है इसको अपने हाथ पर डालना है इस तरीके से, और शोल्डर पर एक पिन लगा लेना है। आप चाहें तो उसको जैसे पहले था एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके से भी बहुत अच्छा लगता है। आप आगे की साइड वी शेप बन जाता है और साइड में हमारे दोनों बॉर्डर, देखिए पूरा का पूरा बॉर्डर फ्रंट में आ रहा है इस तरीके से। और जो आगे अगर आपको लगता है कि आगे से कवर करना है तो अच्छी तरीके से कवर भी हो जाता है। फोर्थ स्टाइल के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से दुपट्टे को बहुत ही सिंपल और ईजी है, दोनों कॉर्नर को उठा के इसमें सेफ्टी पिन लगाएंगे, इसके बाद हम इसको अपने शोल्डर पर डालेंगे। ये बस सीधा ऐसे ही रहने वाला है, और जो पीछे वाला कॉर्नर है ना उसको उठा के आगे लेके आना है हमें और आगे की तरफ टक कर लेना है। आप इसमें भी चाहें तो बेल्ट लगा लीजिए, या एक काम और कर सकते हैं, अगर बॉर्डर वाला दुपट्टा है आपका तो जो हमने मैंने शोल्डर पर डाला ना उसको प्लीट्स बना लीजिए पतली से करके दोनों बॉर्डर।
अच्छा लगता है। फिफ्थ लुक के लिए हमें यहाँ पर देखिए चौड़ाई में इस तरीके से प्लेट्स बनानी है, 2 से 3 प्लेट्स बनाएंगे हम। इसके बाद उन प्लेट्स को उठाकर अपने कंधे पर यहाँ पर शोल्डर पर सिक्योर करना है सेफ्टी पिन से। और उसके बाद देखिए ये हमें पतली सी प्लीट बनानी है, जितने भी हमने प्लीट्स बनाई है ना इसको अच्छे तरीके से अरेंज करना है, सारी प्लीट्स को बॉर्डर के नीचे अच्छी तरीके से दबाते हुए यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। से एक पतली पट्टी सी बन जाए, यानी बॉर्डर आपका दिखाई दे। तो देखिए इस तरह करने के बाद में आप अगर थोड़ा सा नीचे तक और करना चाहें तो उसकी और पतली पट्टी की तरह बना लीजिएगा। उसके बाद में हमें सेकेंड कॉर्नर उठाकर अपने दूसरे शोल्डर पर यहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। राइट हैंड साइड पर किया है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने दूसरे वाला जो विड्थ साइज है वो उसको अटैच किया हुआ है। इसके बाद बेल्ट लगा लीजिए, ये इसका फिफ्थ लुक है। आप इसको इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं। ये अदरवाइज क्या कर सकते हैं, जो हमने लगाया है ना ये वाला राइट शोल्डर पर, इसको हम घुमा के अपने सेम शोल्डर पर जहाँ पर हमने ये बॉर्डर लगाया हुआ है ना उसके ऊपर रखकर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए। ये वाला लुक भी बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।